कांड साठी वृत्तार्णक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण 24 से लेकर के 30 तक सात कारिकाओं में कुछ विचार आरंभ होता है। पूर्व कंडिका में जो कहा गया था उसी के यहाँ अधिदेश करना है, जैसा पूर्व में कहा वैसा ही है। ऐसे यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति नहि द्रष्टुर्दृष्टेन्द्र प्रलोकवृत्तिः अविनाशित्वा, ऐसा कहा था। उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसे समझना है। तो तद्वितीय अवस्थि यद् अन्यत् विभक्तम् यद् पश्यति इत्यादि जैसा कहा था वैसे ही यहाँ भी समझना है। माने सारे पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियों में बाघेन्द्रिय लिया और मन बुद्धि, इनका निषेध करने से सभी का निषेध होता है, इसके लिए कहा गया है। ठीक है, हम कहते हैं यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि उक्त न्याय पूर्व में पूर्व कंडिका में कहा था यद्वै तन्न पश्यति पश्चिम में तन्न पश्यति इत्यादि युक्ति है। उत्तर वाक्यशु अधिदेश आगे जो सात कंडिकाओं में उसी का ही अधिदेश करना है, जैसा वहां कहा था वैसे समझना, ठीक कहना है। इसलिए भाषण में कहता समानम अन्यत्र, आगे से समान है पूर्व में जो बोल दिया है उसी प्रकार आगे की कंडिकाओं में ऐसे करना। यद्वै तन्न जिग्रति जो कहा, यद्वै तन्न जिग्रति जो पूर्वादि की शंका के समान अनुवाद करके कहा, उस काल में सुनता नहीं है, सुषुप्ति काल में तो आत्मा नहीं है, ऐसा पूर्वादि की शंका होगी, सुनने वाला आत्मा नहीं है, तो कहते नहीं वहाँ जिघ्रण वही तन्न जिघ्रति आदि उत्तर दिया, सुनता हुआ है नहीं सुनता है, सुनने की शक्ति जो आत्मा की शक्ति का लोप नहीं हुआ है वो तो अज्ञान के कारण क्या हुआ, सुनने वाले का लोप कभी भी नहीं होता, कभी भी लोप नहीं होता, ना विनाश रहित है वो, सुनता है, विशेष गंदा ज्ञान नहीं है, विशेष गंध का ज्ञान नहीं है, क्यों विशेष जो है अविद्या के द्वारा रचित है, जागृत स्वप्न में जो विशेष होता है वो वहाँ नहीं है, विशेष गंध का ज्ञान नहीं, किंतु सुनना है, ज्ञान का अभाव नहीं है, विशेष गंध का ज्ञान नहीं है, सुगंध दुर्गंध आदि का ज्ञान नहीं है उसका, ये है। यद्वै तन्न जिग्रति यद्वै तन्न रसायते यद्वै तन्न बदति यद्वै तन्न श्रृणवती यद्वै तन्न मनते यद्वै तन्न पश्यति यद्वै तन्न विजानाति, ये सारे पर्याय में पूर्व के समान है, पूर्व यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि जैसा कहा उस मंत्र में जैसा अर्थ किया था इन सातों मंत्रों में वैसे अर्थ करना है, ये कह रहे हैं। मनन विज्ञान और दृष्टियादि सहकारित्व भी सती चक्षुरादि निरपेक्ष भूतम भूत भविष्य वर्तमान विषय व्यापार विद्यतिथि पृथक ग्रहण करते हैं। जब पांच इंद्रियों का नाम ले लिया तो फिर मन और बुद्धि की आवश्यकता क्या है, ये कहते हैं मानव विज्ञान और जो मन और विज्ञान मन बुद्धि ये दोनों का दृष्टियादि सहकारी दृष्टियादि के सहयोगी है, ये देखने के लिए मन की बुद्धि की आवश्यकता है, सुनने के लिए भी है, सुखने के लिए भी हर प्रकार से है, तो उसके साथ होने पर सहकारित्व क्षति सहकार होने पर भी उसी के ग्रहण से ग्रहण होना चाहिए था चक्षुरादि के द्वारा, मन बुद्धि का कहते नहीं चक्षुरादि निरपेक्ष हो, चक्षुरादि से अतिरिक्त भी उनका विषय है मन बुद्धि का, चक्षुरादि का जो विषय है उसके साथ है मन बुद्धि, मन और विज्ञान उसमें है, चक्षुरादि के विषयों के साथ होते हुए अतिरिक्त विषय भी उनके होते हैं, इसलिए अतिरिक्त ग्रहण किया मनमान आदि करके कहा। सत्य चक्षुरादि निरपेक्ष चक्षुरादि के बिना भी स्वतंत्र विषय भी उनका है मन बुद्धि का, भूतम भूत भविष्यत वर्तमान विषय व्यापार होते भूत भूत का विषय चक्षुरादि का विषय नहीं होता, भूतकाल भविष्यत काल उनका विषय चक्षुरादि का नहीं होता, वर्तमान में भी अति दूर होगा जो वस्तु चक्षुरादि का विषय नहीं होता, किंतु मन बुद्धि तीनों कालों का करते हैं विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक चक्षुरादि निरपेक्ष भूत भविष्यत वर्तमान विषय व्यापारो विद्यते, इनमें
तीनों कालों का व्यापार है, जो वर्तमान में भी चक्षुरादि का सब विषय नहीं होता, दूरदेश अस्त वस्तु का विषय नहीं होता स्थिति है वो तो भूत भविष्य वर्तमान विषय व्यापार भी देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान व्यापार उनका है, मन और बुद्धि का व्यापार है, मनन और विज्ञान का व्यापार है, इसलिए पृथक हम इसलिए मनन और विज्ञान को अतिरिक्त ग्रहण किया, ये बता दिया है। टिप्पणियाँ है एक और दो कि एक उनका दृष्टियादो अंतर्भावे भी, क्योंकि दृष्टियादि के सहकारी है मनन और विज्ञान दोनों, मनन और विज्ञान के बिना दृष्टि भी नहीं श्रुति भी नहीं कोई भी सिद्ध नहीं होता, सहकारी तो क्षति का होने पर भी चक्षुरादि निरपेक्ष विषय भी उनका है, मन और बुद्धि का ही कहते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र विषय भी उनका है। क्या विषय है? भूतकालीन विषय को चिंतन करते हैं मन और बुद्धि, भविष्य का भी करते हैं, वर्तमान दूरदेश तक करता है, चक्षुरादि इंद्रिया तो ऐसा ही है, संबद्धम वर्तमान से गृहते चक्षुरादि नाशकः, चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा एक तो विषय के साथ में सन्निकर्ष होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, दूसरी बात वर्तमान में विषय होना चाहिए, विषय के साथ संबंध भी होना चाहिए वर्तमान में होना चाहिए तभी ग्रहण करते हैं। किंतु मन और बुद्धि ऐसे हैं जो भूत के विषयों को भी ग्रहण कर लेते हैं, इशारा जाता सोचते हैं अपना काम करते हैं, वर्तमान दूर देश अस्त वस्तु वर्तमान का भी इनके द्वारा ज्ञान होता है और भविष्य में आने वाले वस्तुओं का भी ज्ञान होता है, इनका स्वतंत्र व्यापार भी है, चक्षु आदि के साथ भी यह है स्वतंत्र व्यापार भी है, इसके लिए इनका अलग से ग्रहण किया मनन और विज्ञान को, यही बताया भूत भविष्य वर्तमान विषय व्यापार चार तीन में कहते हैं। रागादि वृत्ति से और भी है, इंद्रियों में रागादि वृत्ति नहीं, राग द्वेष आदि वृत्ति इंद्रियों में नहीं है, कहाँ? मन और बुद्धि, मनन और विज्ञान में राग आदि बुद्धि, राग द्वेष जो होता है मन में होता है, इंद्रियों में नहीं है, ये भी है विषय, एक तो भूत भविष्य वर्तमान और दूसरा राग आदि वृत्ति जितने राग आदि राग द्वेष आदि वृत्ति भी इनमें है, अतिरिक्त विषय होने के कारण इनको अलग से ग्रहण किया दो को, मनन और विज्ञान को बोला। ठीक है इसकी थोड़ी मनोबुद्धि और साधारण कर्म, मन बुद्धि दोनों साधारण कर्म हैं, सबके लिए पोषक हैं, चक्षु के लिए भी मन बुद्धि की आवश्यकता है, चक्षु से रूप को जानने के लिए, श्रोत्र के लिए शब्द जानने के लिए भी आवश्यकता है, घ्राण से गंध जानने के लिए भी आवश्यकता है दोनों की, और रसन इंद्रिय के द्वारा स्वाद को जानने के लिए भी इनकी आवश्यकता है, स्पर्श के लिए भी इनकी आवश्यकता है, सभी बोलने के लिए भी इनकी आवश्यकता है। तो ये होते हुए फिर अतिरिक्त क्यों कहा, इनके जब इन्हीं में समावेश हो जाते मन और विज्ञान, ये कहा जाते हैं, ये कह रहे हैं मनोबुद्धि हो मन और बुद्धि दोनों का साधारण कर्मत्व है, साधारण है असाधारण नहीं, साधारण कर्म है, सबके पोषक होते हैं, सबके लिए सहयोगी होने से, पृथक व्यापार अभावे अतिरिक्त व्यापार इनका है नहीं, जो चक्षुरादि का जो व्यापार है वही व्यापार इनका है, तो अतिरिक्त व्यापार के अभाव होने पर कथम पृथक निर्देश इतिहास है, फिर अलग निर्देश क्यों किया यहाँ, अद्वैत तन्न मनते इत्यादि के द्वारा क्यों कहा, अद्वैत तन्न भी जाना इत्यादि क्यों कहा, यह शंका आ गई, इसके उत्तर में कहना है टिप्पणियाँ दो और तीन की टिप्पणी में जो भी कहते हैं चक्षुरादि प्रति साधारणत्व, मन और बुद्धि जो है ना चक्षुरादि के प्रति साधारण है, उनके बिना चक्षुरादि काम नहीं कर पाते, साधारणत्व तज्जन्य वृत्ति अतिरिक्त वृत्ति भाव है, चक्षुरादि जन्य वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति इनकी नहीं होनी चाहिए मन और बुद्धि की, फिर उसने क्यों ग्रहण किया ये प्रश्न आया, तो उत्तर दे पृथक निर्देश क्यों, फिर मैं कहा यदवै तन्न मनुते यदवै तन्न विजाना दिए अलग से ग्रहण क्यों किया, चक्षुरादि के पृथक निर्देश चक्षुरादि से मन और बुद्धि को अतिरिक्त निर्देश क्यों किया, ये शंका आ गई, इसके शंका ने कहा शंका के उत्तर कहा मनन विज्ञान और दृष्टियादि सहकारी के भी, मनन और विज्ञान दोनों दृष्टियादि के सहकारी है होने पर भी सती ऐसा होने पर भी चक्षुरादि निरपेक्ष हो, इनका व्यापार और भी है, चक्षुरादि से निरपेक्ष व्यापार भी है, क्या भूत चक्षुरादि भूतकालीन विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते, भविष्यकालीन विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते, वर्तमान में भी दूर देश में होगा उसको
ग्रहण नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में, तो वो भी इनका विषय हो जाता है मनोवृत्ति का। यह व्यापार है सब निरपेक्ष व्यापार है विद्यते इति पृथक ग्रहण, इसे अलग ग्रहण किया है। अब आगे शंकाएं होती है, ठीक है, कहते हैं वाक्यानि व्याख्या है, ये मंत्र का अर्थ पूरे के हो गए समझ लीजिए। अब विशेष विचार कर, मंत्र का अर्थ तो थाली गुलाग न्याय बोलते हैं, पूर्व का निगाह में जितना अर्थ बता दिया इनका भी उसी प्रकार का अर्थ है। वाक्यानि व्याख्या मंत्रों का व्याख्या करके किया करके अब स्व सिद्धांत स्फुटी करना अर्थ विचार है, अपने सिद्धांत को स्पष्ट करना है सिद्धांत के लिए, हमारा सिद्धांत क्या है इसके लिए विचार आरंभ करते हैं। विचार आरंभ करते हैं कि पूर्व पक्ष उत्तर सिद्धांत होगी क्यों विचार करते हैं, अपने पक्ष को पुष्टि करने के लिए। वाक्यानि व्याख्या मंत्रों का अर्थ हो गया है, अब स्व सिद्धांत स्फुटी करना अर्थ अपने सिद्धांतों को स्पष्टीकरण करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए विचार है, तो विचार आरंभ करते हैं। ये अर्थ है किम पुनः, एक भाषण कहा किम पुनः दृष्टियादि नाम अग्निर औष्ट प्रकाशन ज्वलनादिपत धर्म भेद आहोषित अभिंड अभिन्न धर्म से परोपाधि निमित्त धर्मांडत्व, ये प्रश्न करना है। प्रश्न ये आता है कि यहाँ क्या यहाँ पर विचार करना, यह है विचार का विषय है दृष्टियादि नाम, जो दृष्टि कहा घ्राति बोला आदि आदि बोला, तो ये जो सुंगना आदि काम जो बोला है धर्म देखना सुनना आदि जो धर्म है, किम बोला दृष्टियादि नाम अग्नि औष्ण प्रकाश ज्वलनादिवत धर्म है ना, जैसे अग्नि में उष्णता है और प्रकाश क्रिया है प्रकाशन है और ज्वलन है जलना है, क्या इस प्रकार धर्म में भेद है आत्मा आत्मा से अतिरिक्त है ये दृष्टि आदि, ये दृष्टि श्रुति आदि जो बोला गया यहाँ आत्मा से भिन्न है अथवा धर्म भेद आहोषित अभिन्न से ही अथवा अभिन्न ही है दृष्टि आदि आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न से ही धर्म से जो अभिन्न धर्म है दृष्टि आदि धर्मों का परोपाधि निवतम धर्मत्म माने है तो अभिन्न है दृष्टि आदि स्वरूप है आत्मा होते हुए भी उपाधि के कारण से भिन्न लग रहा हो, ये दो में से क्या हो सकता है, ये जो धर्म दृष्टि आदि जो धर्म बताए गए दृष्टि स्मृति आदि जो आठ धर्म यहाँ दिखाया गया है वो धर्म क्या जैसे अग्नि में ज्वलन आदि धर्म है भिन्न है अग्नि से भिन्न है इस प्रकार है अथवा अभिन्न सेव आत्मा से अभिन्न ही दृष्टि आदि जो बताया गया अभिन्न सेव धर्म से अभिन्न धर्म है परोपाधि निमित्तम जो दूसरे उपाधि के कारण धर्म अन्य हुआ भिन्न हुआ है दृष्टि आदि धर्म भिन्न माना जाता है उपाधि के कारण है क्या वास्तव में भिन्न है अथवा उपाधि से भिन्न है, यह संकट एक यहाँ विचार करना है। आओ से अभिन्न सेव में छह नंबर के बड़े पहले दृष्टियादि नाम पांच में से दृष्टियादि नाम चार है पहले तो दृष्टियादि नाम आदि से क्या लेना घ्राति आदि लेना दृष्टि घ्राति श्रुति मति विज्ञात्री इत्यादि धर्म जितने भी हैं पांच नंबर चार में कहा अच्छा पांच में यथा औष्णाल धर्म अग्निर भिन्ना अभिन्ना मिथा से भिन्ना धर्म जैसे उष्ण आदि धर्म है अग्नि से भिन्न भी है अभिन्न भी है परस्पर भिन्न है माने उष्ण जो है ज्वलन नहीं है ज्वलन जो है ये नहीं प्रकाश नहीं है भिन्न भिन्न है परस्पर में भेद है इनका धर्मों का और अग्नि के साथ में भिन्न भी है अभिन्न भी है भिन्न अभिन्न माना जाता है अथवा अभिन्न ही है ये प्रश्न है ये कहना चाहते हैं ठीक है। छह नंबर का आत्मा भिन्न से आत्मा से अभिन्न ही है अथवा धर्म उपाधि के कारण से भिन्न माना जा रहा है और यहाँ पर दो प्रश्न विचार करना है क्या ये जो दृष्टि आदि जो कहा गया आत्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है और दृष्टि आदि में परस्पर में भिन्नता है ऐसा मानना है अथवा
आत्मा से दृष्टि आदि अभिन्न ही है, उपाधि के कारण भिन्न जैसा लगता है, ऐसा मानना है। ये विचार आरंभ हो गया। तो अत्र केचित करके बोलते हैं, भाष्य में कहते हैं अत्र केचित व्याचक्षते, कुछ लोग कहते हैं नहीं, दृष्टि आदि धर्म आत्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, भिन्न अभिन्न है, अवयव अवयव जैसा है। और दृष्टि आदि में जो दृष्टि आदि में परस्पर भेद भी है, दृष्टि गांति में जो दर्शन है वो सूंघना नहीं होता, जो सूंघना होता है दर्शन, मतलब परस्पर भेद है। ये पूर्वादि का काम है। अत्र केचित व्याचक्षते, केचित माने भक्ति प्रपंच है, माने भाष्यकार के उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखने के पहले भी कुछ व्याख्याएं मंत्रों में रही, वो भक्ति प्रपंच की व्याख्या रही, उसके भाष्यकार खंडन करना चाहते हैं। वो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी होते हैं, वो माने ज्ञानोत्तर भी कर्म करने को मानते हैं, वो समुच्चयवादी है, तो उनका मत यह ठीक नहीं होता, यही कहना है। अत्र केचित व्याचक्षते, कुछ लोग यहाँ व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या करते हैं इस पर, माने जैसे अग्नि आदि, अग्नि के जो उष्णता है, ज्वलन है, प्रकाश है, तीन धर्म अग्नि से भिन्न या अभिन्न ऐसा मानना, परस्पर भिन्न, अथवा अग्नि से वो धर्म अभिन्न ही है, ज्वलन अभिन्न ही है, उपाधि के कारण से भिन्न जैसा लगता है, ऐसा मानना, यह शंका है। अत्र केचित व्याचक्षते, कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, आत्मा वस्तु जो आत्मा वस्तु है, आत्मा का स्वतः एवं एकत्वम नानात्वम, जो आत्मा दो प्रकार का है, स्वयं एक भी है अनेक भी है, स्वतः एक आत्मा एक भी है अनेक भी है, ऐसे भक्ति प्रपंच का मत है। आगे खंडन करेंगे, आत्मा वस्तु जो आत्मा वस्तु है, आत्मा है वह स्वतः एवं एकत्वम, स्वतः एक है, और नानात्वम चाह औपाधिक नानात्व नहीं है, स्वतः ही एकत्व है, स्वतः ही नानात्व है, एक भी है अनेक भी है आत्मा, दोनों होता है वास्तविक है दोनों, ये भक्ति प्रपंच का मत है। कैसे दृष्टांत देना है, टिप्पणी एक नंबर के, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक भेदाभेद इत्यादि, आत्मा में स्वाभाविक भेद भी है अभेद भी है, दोनों है, आत्मा ही आत्मा से भिन्न भी होता है और अभिन्न भी होता है, ये मत होता है, स्वाभाविक है भेदाभेद आत्मा, औपाधिक नहीं, स्वाभाविक है, सिद्धांत कहेंगे औपाधिक है, ये कहेंगे आगे, किंतु इनका मत पर कहा आत्मा वस्तु जो है ना उसका स्वतः ये मतलब जो स्वाभाविक ही भेदाभेद स्वाभाविक है, भेद भी है अभेद भी है, ये प्रकार स्वतएव एकत्व नानात्व, एक भी है आत्मा, एकत्व भी है आत्मा में और नानात्व भी, अनेक अनेकता भी है। यथा जिस प्रकार वो दृष्टांत देते हैं, यथा गौर गो द्रव्यतया एकत्व, जो गौ होती है ना वो एक द्रव्य है, वो एक है गाय, गाय एक होती है, और शास्त्रादि नाम धर्माणाम परस्पर भेद तो भेद परस्पर तो भेद, माने शिंग वाली गाय कंबल वाली, गल कंबल वाली गाय, पूछ वाली गाय भिन्न हो जाता है, कोई गाय भिन्न हो जाती है, तत्त अवय को लेकर के गाय भिन्न हो जाती है, और गोद्रव्य मान के गाय को लेकर के एक होती है गाय, और तत्त उसके जो अवयव है शिंग, माने शिंग श्रृंग को लेकर के गाय को मानेंगे तो कर्ण को लेकर के गाय, वो गाय भिन्न है, कर्ण वाली गाय अलग हो जाती है, शिंग वाली गाय अलग हो जाती है, तो गाय गोद्रव्य रूप से एक होने पर भी शास्त्रादिनाम धर्माणाम, वहाँ पर शास्त्रादि धर्म, शास्त्र माने गले में जो कंबल जैसा लटकता है गाय के, शास्त्र बोलते हैं उसको, इत्यादि धर्मों का परस्पर तो भेद, धर्मों में परस्पर भेद है, जो गल कंबल होता है श्रृंग नहीं होता, जो श्रृंग होता है वो कर्ण नहीं होता, जो कर्ण होता पुच्छ नहीं होता, भेद हो जाता है परस्पर, धर्मों में भेद है, गोद्रव्य रूप से एक होने पर भी धर्मों में भेद है, तो गाय एक भी है अनेक भी है, तत्त अवयव को लेकर के देखते हैं तो अनेक है, एक ही गाय अनेक हो जाती है, और अवयव को छोड़ करके गाय में दृष्टि जाती है तो एक होती है गाय, इसी प्रकार आत्मा भी एक भी है अनेक भी, वास्तविक तो है आत्मा, ये उनका कहना है। यथा स्थूलेश नानात्म तथा निर्वय, अब ये दृष्टांत बन गया गाय और स्थूल पदार्थ है, जैसे स्थूल विषय में एकत्व और नानात्व सिद्ध हो जाता है, माने अवयवी को लेकर के एक होता है, तत्त अवयव को लेकर के, अवयव तो परस्पर भिन्न ही है, और तत्त अवयव विशिष्ट अवयवी भी भिन्न हो जाता है,
स्थूल पदार्थ में जिस प्रकार भेद है, नानात्व है, अनेकत्व है, तथा निर्वयेषु निर्वय पदार्थों में ऐसे अनुमान करना चाहिए, वहाँ भी भेदा भेद है। गाय में देख लिया है गो द्रव्य रूप से एक गाय है, एक होता है गो। अच्छा, किंतु तत्त उसके जो अवयव है तत्त विशिष्ट करके अनेक हो जाती है। स्वाभाविक है एकत्व भी स्वाभाविक, अनेकत्व भी स्वाभाविक, एक ही द्रव्य में एक ही होता है, अनेक भी होता है, एक ही वास्तविक होता है, एक का मत है। सिद्धांत क्या होता है, एक वस्तु एक ही होता है, जो भिन्न दिखता है वो औपाधिक है, ये सिद्धांत आदि बोलेंगे। यथा थूलेश एकत्व गोद्रव्य में सिद्ध हो गया, एकत्व और नानात्व दोनों सिद्ध हो गया गोद्रव्य में, ठीक इस प्रकार तथा नानात्व का तथा निर्वयेषु जो निर्वय पदार्थ है आत्मा निर्वय है उनमें भी, अमूर्त वस्तुषु जो मूर्त है आकार में जिनका जैसे आकाश है परमाणु है अमूर्त माने जाते हैं, आत्मा है ये सब अमूर्त में भी एकत्व नानात्व से अनुमेय अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। वहाँ भी एकत्व भी है, धर्म रूप से एक है और धर्म रूप से तब तक धर्म को लेकर के धर्म अनेक हो जाता है, धर्म तो अनेक ही है और धर्म भी अनेक हो जाता है तब तक धर्म को लेकर के अनुमान करना चाहिए। ये वर्ग प्रवचन कहते हैं तीन नंबर टिप्पणी में कहा वेदादिशु जो अमूर्त पदार्थ आकाश आदि है उनमें भी ऐसी कल्पना करनी चाहिए, अनुमान की सिद्ध करना चाहिए। जैसे थूल पदार्थ है गाय में देखा एक एक भी है अनेक भी गाय, वही गाय अनेक हो जाती है तब तक अवयव विशिष्ट करके भिन्न हो जाती है, उन्होंने अवयवों में तो परस्पर भेद आई है किंतु वो एक गाय में भी अनेक हो जाता है तब तक अवयव को लेकर अवयव भिन्न हो जाता है और अवयव रूप से एक है गाय। जैसे गाय एक भी है अनेक भी है ठीक इस प्रकार सिद्ध हो गया। तो अमूर्त पदार्थ जो आकाश आदि है इसका आकार नहीं दिखता, अमूर्त है क्रिया नहीं होती जा, तो वहाँ भी एकत्व नानात्व से अनुमेय एकत्व और नानात्व के अनुमान करना चाहिए, ये पूर्वादि का कहना है, भक्ति प्रवृत्ति करना है। सर्वत्र व्यभिचार दर्शनात् सारे जगहों में व्यभिचार देखा, एक भी देखा अनेक भी देखा, मूर्त में देखा गाय में देखा अमूर्त में आकाश आदि में देखा, अनुमान के द्वारा सिद्ध करने से सर्वत्र अव्यभिचार दर्शन सर्वत्र अव्यभिचार है दोनों हैं, मूर्त में भी सब दोनों हैं भेदाभेद एकत्व अनेकत्व, अमूर्त में भी कोई भी वस्तु है एकत्व और अनेकत्व, अभी विचार होने से दर्शन होने से आत्मरूपी तत्वदेव आत्मा में भी ऐसे मानना पड़ेगा, एक भी है अनेक भी है आत्मा, दृष्टि आदि परस्पर भिन्न हो जाएंगे और दृष्टि दृष्टिकाल में आत्मा जिस काल में दृष्टि वाला होगा उस काल में घ्राति नहीं होगा, घ्राति विशिष्ट आत्मा नहीं होगा, इस पर भ्राति विशिष्ट होगा उसका दृष्टि विशिष्ट इत्यादि आत्मनिमित तत्वदेव दृष्टि आदि नाम आत्मा में उसी प्रकार मानते दृष्टि आदि नाम परस्परम नानात्व, दृष्टि आदि जो है दृष्टि कहा भ्राति कहा और पृषति इत्यादि बोला है, पृष्टि आदि बोला है, इसमें परस्पर भेद है नाना है ये तो नाना है ही है, और आत्मनाथ है एकत्व और आत्म रूप से एक है, दृष्टि आदि रूप से अनेक हो जाएगा वही आत्मा, दृष्टि विशिष्ट आत्मा ग्राति विशिष्ट नहीं है, ग्राति विशिष्ट आत्मा दृष्टि विशिष्ट इत्यादि रूप से नाना हो जाएगा, और जब धर्म दृष्टि से देखेंगे एक हो जाएगा एकत्व भी, ये भंत प्रवृत्त मत हो गया। एक नंबर टिप्पणी था वेदाधिपत तद्वदेव मैंने जैसे आकाश आदि में पहले मूर्त गाय को दृष्टांत दे दिया उन्होंने, गाय एक भी अनेक भी है, गाय एक ही गाय एक भी है अनेक भी है, एक कैसे होती है स्वरूप तो वही एक है और दूसरा तत्त अवयव को लेकर के अनेक हो जाती है, श्रृंग विशिष्ट जो गाय है वो कर्ण विशिष्ट भी होती है, कर्ण विशिष्ट गाय जो होती है श्रृंग विशिष्ट भी होती है इत्यादि। तो और जब स्थूल पदार्थों में एकत्व नानात्व सिद्ध हो गया दृष्टांत मिल गया गाय का तो उसको लेकर के आकाश आदि में भी अनुमान से सिद्ध होगा बोल दिया, आकाश आदि में एकत्व भी है नानात्व भी है ऐसा। तो जब आकाश आदि अमूर्त पदार्थों में भी एकत्व नानात्व सिद्ध होता है तो आत्मा में भी वैसे मानना होगा, एकत्व भी है नानात्व भी है, यही एक ही आत्मा एक भी है अनेक भी है, ये भक्ति प्रबंध का कहना है। ठीक है, टीका में कहते हैं
भेदो धर्माणाम सताम मिथो धर्मग्रस्त भेदो अस्ति इति आवश्यक। धर्म भेदो तो धर्म का भेद, धर्माणाम धर्म भेद, परस्पर धर्म जो होगा वो उसका भेद होगा, दर्शन अलग है श्रवण अलग है इत्यादि। धर्म भेदो धर्माणाम सताम धर्म के होने पर, मिथो धर्मग्रस्त और धर्म का परस्पर भेद है और धर्मों को होने पर धर्मी के साथ भी भेद हो जाता है, तद धर्म विशिष्ट धर्म अन्य धर्मों की शिष्ट नहीं होगा, यह धर्म अस्थि यावत धर्म भी भेद हो जाएगा। एक कहना होता धर्म से दृष्टियादि पदार्थ से, धर्म माने दृष्टियादि पदार्थ है, या इस कंडिकाओं में जो चल रहा है दृष्टि घ्राति आदि आदि रस हेति इत्यादि इत्यादि जो चल रहा है यही है दृष्टियादि नाम दिखा। धर्म से दृष्टियादि पदार्थ है, धर्म शब्द दृष्टियादि पदार्थ है कहा। परोपाधि निमित्तम, परोपाधि निमित्तम चक्षु, परोपाधि निमित्तम चक्षुरादि उपाधि कृतम, आत्मा में स्वतः है धर्म भेद अथवा उपाधि के कारण धर्म भेद है, चक्षुरादि जो उपाधि के कारण धर्म भेद आता है ये प्रश्न है। इसमें कहते हैं पूर्व पक्ष आएगा धर्मान्यत्वम धर्मान्यत्वम धर्मत्वम धर्मिणो विधो अन्यत्वम से इत्यर्थ, धर्माणाम धर्म अन्यत्वम, परस्पर धर्म तो भेद है पूर्वादि बोलना है, धर्मान्यत्वम धर्मत्वम धर्मिणो विधो अन्यत्वम, धर्मी से धर्म अन्य होना, धर्मी से धर्म अन्य होना अथवा धर्म से धर्म अन्य होना इत्यादि। भर्ती प्रपंच मतेन पूर्व पक्ष में गणा कि अब यहाँ पर आत्मा में स्वतः एकत्व है अथवा नानात्व है, स्वतः है अथवा नानात्व औपाधि का ही विचार करता है, स्वाभाविक एकत्व है और उपाधि से नानात्व है ये कहना चाहते हैं, अथवा पूर्वादि के हिसाब से होगा आत्मा में स्वाभाविक एकत्व भी है नानात्व भी है, यह विचार होता है। तो विचार में कहते हैं भर्ती प्रपंच होते हैं ना पूर्व पक्ष गणा कि भारतीय प्रपंच का पद है उनके आधार पर पूर्व पक्ष ग्रहण करते हैं, पूर्व पक्ष क्या है अत्र अत्र के व्याचक्षर है, इस विषय में कुछ लोग व्याख्या करते हैं आत्मा में स्वतः स्वाभाविक एकत्व भी है अनेकत्व भी है, यही है अत्र के व्याचक्षर का आत्मवस्तु न स्वतः एकत्व, स्वतः एवं एकत्व नानात्व, आत्मवस्तु में स्वतः स्वाभाविक एकत्व भी है नानात्व भी है, ये भारतीय प्रपंच का कहना है। कैसे तो कहा यथा गो जैसे गाय है गोद्रव्य तया एक, जो गोद्रव्य है गो एक द्रव्य है उसी रूप से एक है गाय, और शास्त्रादि नाम धर्माणाम परस्पर भेद, परस्पर तो भेद है शास्त्रादि धर्मों के लेकर के परस्पर भेद हो जाता है, उनको लेकर के गाय भी अनेक हो जाती है। टीका टीका में कहते हैं गवादि नाम सावयत्वाद, गाय आदि पदार्थ सावय पदार्थ है रूप भेदात, उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है, सावय है स्वरूप भिन्न है, रूप भेद असंभवा रूप स्वरूप के भेद संभव होने से एक रूपेण अभिन्नत्व, एक रूप से तो अभिन्न है गाय और रूपांतरण भिन्नत्व अन्य रूप से भिन्न है, उभयथात्व भी ऐसा दोनों के दोनों सिद्ध हो जाने पर एक रूपीय अनेक रूपीय गाय ऐसा सिद्ध होने पर निर्वयेशु आत्मादिशु जो निर्वय पदार्थ है ये तो सावय पदार्थ में देखा एक भी है अनेक भी है, आगे निर्वयेशु आत्मादिशु जो निर्वय पदार्थ आत्मादि है उनमें भी आत्मादिशु कथम अनेक रसत्व रसत्व सिद्धि सिद्धांतिक और से शंका है कैसे वह अनेक स्वभाव होगा आत्मा निर्वय में कैसे अनेक होगा, ये शंका उठाई उत्तर देंगे दोनों पांच नंबर के ऊपर कहा आदि ना गगनादि ग्रह आत्मा है आदि से लेना है आकाश आदि में कैसे अनेकत्व सिद्ध होगा, गाय के सावय द्रव्य है उसमें एकत्व अनेकत्व भले सिद्ध हो किंतु निर्वय पदार्थ आत्मा है आकाश आदि है उनमें कैसे अनेकत्व सिद्ध होगा, ये संज्ञा की सिद्धांत की तरफ से। तो पूर्वादि बोलते हैं यथा थूलेषु एकत्व नानात्व, जैसे थूल पदार्थ सावय पदार्थ का गाय को देखा वह एकत्व भी है नानात्व भी है, तथा उसी प्रकार निर्वयेषु अमूर्त वस्तुषु जो निर्वय अमूर्त पदार्थ है आकाश आदि है आत्मादि वहाँ भी
एकत्व नानात्व से अनुमेय अनुमान से सिद्ध करना चाहिए। वहां जैसे यहाँ एकत्व और अनेकत्व दोनों है वो आदि में, उसी प्रकार अमूर्त पदार्थ होगा ऐसा ही अनुमान से सिद्ध होगा। ठीक है, ये गुरुवादी कहा अनुमेय बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं एक रूपये वस्तु दृष्टान्त अदृष्टे, दृष्टान्त अदृष्टे नाना रूपत्वे गवादि दृष्टांत दर्शनात् तदेव अनुमेय। एक रूपत्व वस्तु दृष्टांत अदृष्टे, एक रूपये वस्तु के दृष्टांत नहीं देखा, नाना रूप में देखा है जिनका नाना रूप होता है, जैसे आकाश है एक रूप सार्व निर्वय है, ये कारण जाते एक रूपत्व वस्तु, एक रूप होने वस्तु दृष्टांत अदृष्ट, एक रूप में दृष्टांत नहीं मिलता है, अनेक में दृष्टांत मिल जाता है। एक रूप होगा जिसका दृष्टांत दूसरा दे नहीं सकते, ये पूर्वादि का कहना है। एक रूपत्व वस्तु दृष्टांत अदृष्ट, जब वस्तु यदि एक स्वरूप वाला हो अनेक स्वरूप दृष्टांत नहीं मिलेगा। नाना रूपत्व गवादि दृष्टांत दर्शन, नाना रूप में गाय आदि दृष्टांत दिया है, नाना रूप है गाय का, एकत्व भी है अनेकत्व भी है, तो नाना रूप वाले में दृष्टांत मिल जाता, एक रूप वाले में दृष्टांत नहीं मिलता, इसलिए तदेव अनुमेय, इसलिए कोई नाना रूप वाले का अनुमान करना चाहिए आकाश आदि में भी, एक पूर्वादि का कहना है। छह नंबर की प्रकार नानात्व, नानात्व ही अनुमान से सिद्ध करना है, आत्मा में भी नानात्व है स्वाभाविक, ये सिद्ध करना है, ये कहना है। यथा कहा यथा थूलेषु एकत्व नानात्व च, जैसे थूल पदार्थ गाय आदि में एकत्व भी नानात्व स्वाभाविक है, तथा निर्वयेषु अमूर्त वस्तु सूत्र निर्वय अमूर्त वस्तु है आकाश आदि है नानात्व चमेय, वहाँ भी नानात्व अनुमान कर, एकत्व नानात्व से दोनों का अनुमान कर लेता है, एकत्व भी नानात्व भी, क्योंकि एक एक की सिद्धि के लिए दृष्टांत नहीं मिल रहा है, नानात्व सिद्धि के लिए दृष्टांत मिल गया गाय में मिला। ठीक है, हम अनुमान देते हो विमतम आत्मादि जो वस्तु भिन्ना भिन्नम, भिन्न भी है अभिन्न भी है, एक भी है अनेक भी है आत्मा आदि, विमतम सात के प्रकार गगन आदि जो गगन आदि आकाश आदि है ना अमूर्त पदार्थ, भिन्न भी है अभिन्न भी है, मान एक भी है अनेक भी है आकाश आदि, आकाश अनेक भी है एक भी है, वास्तविक औपाधिक है भारतीय प्रकृति का कहना है। वस्तुत्व एक वस्तु है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, आकाश आदि जो वस्तु है कैसे है भिन्न भी है अभिन्न भी है, स्वतः भिन्न है स्वतः अभिन्न है, वस्तुत्व वस्तु होने से कहा गवादि में जैसे गाय आदि है वो भिन्न भिन्न है, पर धर्मों में परस्पर भेद है, गाय में जितने धर्म होंगे श्रृंग पुच्छादि धर्म वो भेद है, और गोद्रव्य के साथ में वो माने गोद्रव्य एक है, तब तक धर्म को लेकर के गोद्रव्य भिन्न हो जाता है, श्रृंग विशिष्ट धर्म काल में पुच्छ विशिष्ट धर्म वाला आत्मा नहीं रहे, विशेषण के अभाव से विशेष का अभाव हो जाता है इत्यादि। एक टीका में एक अनुमान दिया पूर्व भारतीय प्रबंध ने कहा विमतम जो गगनादि है वह भिन्ना भिन्नम, भिन्न भी है अभिन्न भी है, एक भी है अनेक भी है गगनादि आकाश आदि, वस्तुत्व हेतु दिया वस्तुत्व हेतु दे दिया वस्तु होने से, जैसे दृष्टांत क्या गवा दिया यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र तत्र भिन्ना भिन्नत्व, जहाँ जहाँ वस्तुत्व होगा वहाँ वहाँ भिन्ना भिन्नत्व रहेगा, जैसे गो आदि द्रव्य है ये स्वतंत्र प्रत्यक्ष प्राण से सिद्ध हुआ एक भी आने के एक उनका कहना है। यद्यपि गगनादिशु भिन्ना भिन्नत्व अनुमीयते तथापि प्रथम आत्मने तत् अनुमानम इतिहास में सिद्धांत की ओर से शंका उठाई जाए, यद्यपि गगनादि में भिन्ना भिन्नत्व अनुमे अनुमान से सिद्ध हो जाए अनुमान किया जाता है, आकाश आदि भी भिन्ना भिन्न है जैसे गाय है दृष्टांत दे करके, तथा फिर भी प्रथम आत्मा ने तद अनुमान, फिर आत्मा में तो भिन्ना भिन्न अनुमान कैसे होगा, आत्मा तो एक ही है ना, भिन्न भी है अभिन्न भी स्वतः भिन्न है स्वतः अभिन्न कैसे होगा, ये शंका सिद्धांत की है। तो उसके उत्तर में उत्तर देते हैं वस्तुत्व से नाना रूपत्व अभी विचारा यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र तत्र नाना रूपत्व, ये व्याप्ति बन जाती है, जहाँ जहाँ वस्तु होगा वहाँ वहाँ नाना रूप होगा, कहाँ देखा गाय भी देखा अनेक रूप है, जहाँ जहाँ वस्तुत्व तो धर्म रहेगा वहाँ वहाँ नाना रूपत्व तो धर्म अवश्य है, तो वस्तु आत्मा भी एक वस्तु है धरती पर प्रत्येक बोल रहे हैं वस्तुत्व से वस्तुत्व जो है वो नाना रूपत्व अभ्य विचारी हेतु है वस्तुत्व हेतु,
जहाँ वस्तु तो होगा वहाँ नाना रूप होगा, कहाँ रहेगा गायब रहेगा। अभी विचारा आत्मा नहीं अपनी यथोक्त अनुमान, आत्मा में भी यही अनुमान लग जाएगा, आत्मा नाना रूपम, आत्मा भिन्ना भिन्नम, भिन्न भी अभिन्न भी है वस्तुत्वात् द्रव्य ऐसा भिन्ना भिन्न तो अन्य थे, आत्मा में भी यही है अनुमान। निरंकुशम आत्मा भी अनुपान का कोई विरोध नहीं है, निरंकुश है अनुमान आए, अनुमान से सिद्ध होता है आत्मा भिन्न भी है अभिन्न भी है, एक भी है अनेक भी है। इस ये भारतीय प्रति उत्तर देते हैं आठ की टिप्पणी बताया इसको। अप्रतिबद्ध प्रचार, ये अनुमान को कोई रोक नहीं सकता, आत्मा भिन्ना भिन्न, आत्मा भिन्न भी है अभिन्न भी है वस्तुत्व गोद्रुप, जैसे गाय वस्तु है। ये भरत प्रबंध ने कहा सर्वत्र, कहा सर्वत्र अभ्य विचार दर्शनात्, जहाँ वस्तु तो होगा वहाँ भिन्ना भिन्न तो आएगा, कहीं व्यभिचार नहीं होता। आकाश आदि में देखा भिन्ना भिन्न, और गाय गो में भी देखा तो आत्मा भी भिन्न भी अभिन्न भी है, ये पूर्वाजी का कहना है, भरत प्रबंध का कहना है। एक अभ्य विचार दर्शनात् आत्मनो भी तद्वदेव, इसी प्रकार जैसे वेद आदि है भिन्ना भिन्न है, इसी प्रकार दृष्टि आदि नाम परस्परम नानात्म, दृष्टि स्मृति मति आदि जो यहाँ बताया गया उसमें परस्पर भेद है, उनको लेकर के आत्मा भिन्न हो जाता है और आत्मा राज है, एकत्व आत्म रूप से एक है, दृष्टि आदि रूप से अनेक है आत्मा, ये भक्त प्रबंध का कहना था। टीका में कहा यथोक्त अनुमान, जो हमने जो अनुमान दिया यथोक्त अनुमान अनुग्रहात, यही अनुमान है माने आत्मा भिन्ना भिन्न वस्तुत्वात् द्रव्यवत्, यथोक्त अनुमान अनुग्रहात् यद्वै तद् इत्यादि भिन्ना भिन्ने वस्तु ने तात्पर्य, जो यद्वै तन्न पश्यति यद्वै तन्न जिघ्रति इत्यादि जो वाक्य दिया है यहाँ, यहाँ भी भिन्ना भिन्न वस्तु में तात्पर्य है, अभेद में तात्पर्य नहीं है, आत्मा भिन्न भी है अभिन्न भी है उसी में तात्पर्य है, एक भी है अनेक भी है आत्मा, धर्मों को लेकर कहे और धर्म रूप से एक, ऐसा कहा। आगे कहते भारतीय प्रपंच उत्तम वाक्य तात्पर्य निराकृति, भारतीय प्रपंच के द्वारा कहा गया जो वाक्य का तात्पर्य था यद्वैत अन्न पश्यति वाक्य का जो तात्पर्य बताया उसका खंडन करते हैं सिद्धांत, नाना आत्मा में भेदाभेद कल्पना करना ठीक नहीं, यही कहना चाहते हैं ना सिद्धांत का न अन्य परत्वात्, ये वाक्य भेदाभेद सिद्धि के लिए नहीं है, वाक्य यद्वैत अन्न पश्यति आदि वाक्य भेदा आत्मा में भेदाभेद सिद्ध करने के लिए नहीं है, अन्य अर्थ है इसका क्या भेदाभेद के लिए नहीं है, अन्य अन्य अर्थ है, आत्मज्योति चैतन्य ज्योति है ये कहने में तात्पर्य है, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं नहीं दृष्टियादि धर्म भेद प्रदर्शन परम इदम वाक्यम, दृष्टियादि भेद को दिखाने के लिए वाक्य नहीं है यद्वै तन्न पश्यति आदि वाक्य, दृष्टि आदि के भेद दिखाने के लिए नहीं है आत्मा ये वाक्य नहीं, यद्वै तन्न इत्यादि वाक्य इसके लिए नहीं, दृष्टि आदि भेद प्रदर्शन के लिए नहीं है वाक्य। भक्ति प्रबंध की ओर से पूछा किम तरी फिर किसके लिए वाक्य है, भेदाभेद के लिए नहीं तो किसके लिए है, यदि चैतन्य आत्मज्योति कथम न जानाती सुषुप्ते, यदि आत्मज्योति चैतन्य है, चैतन्य है चेतन है तो सुषुप्ति में क्यों नहीं जानता, तो ये प्रश्न आने पर नूनम अतो न चैतन्य आत्मज्योति, ये शंका प्राप्त हो गई, अवश्य आत्मज्योति चैतन्य नहीं है, यदि चैतन्य होता तो सुषुप्ति में जानना चाहिए था, चैतन्य पश्चिद क्यों बोला गया नहीं जानता बोला, तो चैतन्य होता तो जानना चाहिए, अवश्य ही वहाँ चैतन्य होता तो जानना चाहिए, जानता नहीं वहाँ चैतन्य नहीं है चेतन नहीं आत्मज्योति, इतम आशंका प्राप्त हो, इस प्रकार की शंका प्राप्त होने पर तन निराकरणाय उसके खंडन के लिए वाक्य है यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि वाक्य, पश्यन्वय तन्न पश्यति इत्यादि वाक्य उस शंका के खंडन के लिए है, ये तद आरब्ध ये वाक्य का आरंभ हुआ, ये तद्वै तद इत्यादि वाक्य आरंभ हुआ है, ये सिद्धांत का चार और पांच की टिप्पणियां, चार में कहते हैं आत्मा होती है, यदि आत्मा चैतन्य आत्मज्योति है तो कथम न जानाते सुषुप्ते, ये शंका आ रही वह क्यों नहीं जानता, अवश्य वह नहीं जानता है, वो चैतन्य ज्योति वहाँ नहीं है नहीं जानता तो चैतन्य ज्योति, ऐसे शंका प्राप्त होने पर उस शंका का खंडन के लिए वाक्य आ रहा
आरंभ किया गया यद्वैतन न पश्यति यद्वैतन जीवृति आदि वाक्य इसके लिए आत्मा में भेदाभेद सिद्धि के लिए वाक्य नहीं है, ये शंका का खंडन के लिए है। आगे पांच की टिप्पणी कहते हैं सुषुप्ते विशेष ज्ञाना भावात अतोह अतः सुषुप्त अवस्था विशेष ज्ञान नहीं है आत्मा को, इसमें वहां पर चैतन्य ज्योति नहीं है वहां, ये शंका आ गई। तो ये शंका के खंडन के लिए वाक्य आ गए पश्चिम में तंड पश्चिम आदि वाक्य इसके लिए सुषुप्ति में विशेष ज्ञान का अभाव वस्तु के अभाव से आत्मा के अभाव से नहीं है, चैतन्य ज्योति वहां भी है कमरे में दीपक जल रहा है किंतु वस्तु ना हो तो दीपक नहीं है कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। ऐसे चैतन्य ज्योति वहां भी है वो तो विशेष वस्तु नहीं है, विशेष वस्तु विक्षेप शक्ति जो अविद्या के विक्षेप शक्ति के द्वारा जागृत स्वप्न में खड़ा किया जाता था विशेष वस्तु को विक्षेप शक्ति काम करती वो शक्ति का अभाव है वहाँ, ऐसे विशेष वस्तु नहीं है, विक्षेप शक्ति नहीं वहाँ सुषुप्ति अवस्था में, इस कारण से विशेष वस्तु का ज्ञान का अभाव है वस्तु न होने से। एक आना है आत्मज्योति वहाँ भी है ये सिद्ध करना है और एक है ये सिद्ध करना है। तन्निराकरणाय एतद् आगतम एतद् इत्यादि कहा यद अश्य जागृत स्वप्नयो चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वारा, जिस आत्मा का जागृत और स्वप्न में अनेक उपाधि दरवाजे हैं द्वार हैं, अनेक उपाधि चक्षु है श्रोत्र है घ्राण है इत्यादि उपाधियां हैं, यद उपलक्षितम माने उपलब्ध जो उपलब्ध रूप होता है चैतन्य ज्योति मिलती है कहाँ, जागृत स्वप्न में है चेतन का भान होता है, क्यों होता है कहते हैं उसके उपलब्धि के द्वार है दरवाजे हैं वहाँ, कैसे यद अश्य यद चैतन्य ज्योति उपलब्ध उपलक्षित आएगा अश्य माने आत्मना, यही होगा छह नंबर जो मैंने बताया है आत्मना, इस आत्मा का जागृत स्वप्न जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाओं में चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वार, चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वार वाला चैतन्य ज्योति है बहुग्री समास है, चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वार अश्य चक्षुरादि अनेक हैं जो उसके चैतन्य ज्योति के उपलब्धि के निमित्त अनेक है वहाँ द्वार, चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव्यम चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव्यम उपलक्षितम जो उपलब्ध हुआ है जागृत स्वप्न में चेतन रूप से पाया जा रहा है आत्मा, क्यों वह उसके उपलब्धि के दरवाजे हैं इंद्रियादि हैं वहाँ चक्षुरादि अनेक हैं वहाँ जागृत स्वप्न में उपलक्षितम सात के टुकड़े में उपलब्धम बोल दिया, उपलब्ध है चैतन्य ज्योति उपलब्ध है जागृत में स्वप्न में उपलब्ध है, दृष्ट्यादि अभिधेय व्यवहारा वर्णन का दृष्टि आदि जो अभिधेय विषय है उसके व्यवहार के प्राप्त हुआ आत्मज्योति, दृष्टि स्तुति मति आदि के द्वारा प्राप्त हुआ आत्मा जागृत और स्वप्न में। आठ के टिप्पणी में बता दिया दृष्टि आदि शब्द वाच्य व्यवहार होता, दृष्टि आदि शब्द के द्वारा वाच्य जो व्यवहार होता है उसे युक्त था आत्मा जागृत स्वप्न में, ये स्रोत्रादि इंद्रिय थे। सुषुप्ति अवस्था में वही वो जो आत्मज्योति दृष्टि आदि से युक्त था इसलिए चैतन्य भान होता था जागृत स्वप्न में, अब सुषुप्ति अवस्था में उपाधि भेद व्यापार निवृत्त हो, उपाधि जो विशेष चक्षुरादि उपाधि थे जितने भी भेद थे उपाधि के भेद थे उनके व्यापार की निवृत्ति हो गई, और कोई चक्षुरादि है कि व्यापार भी नहीं जान, सुषुप्ति अवस्था में निवृत्ति होने पर अनुद्भाष्य मानव पुरस्कार में चैतन्य ज्योति उपलब्ध नहीं हो रहा है, वह चैतन्य ज्योति अनुद्भाष्य मानव प्रकाश से न होने के कारण अनुपलक्ष मानव उपलब्धि का अभाव दिखता है, अनुपलक्ष मान स्वभाव ऐसा स्वभाव उपाधि भेद भिन्न भी वह उपाधि भेद से भिन्न जैसा लगता था जागृत स्वप्न में, किंतु यथा प्राप्त अनुवाद जैसे प्राप्त के जैसा प्राप्त था उपाधि के भेद से भिन्न जैसा लगता वास्तविक भेद आत्मा में नहीं था, जागृत स्वप्न में एक ही आत्मा था, देखने वाला जो आत्मा सुनने वाला आत्मा वही था, उपाधि भेद से भिन्न जैसा लगता था यथा प्राप्त अनुवाद विद्यमान को पूछते सुषुप्ति में भी उस आत्मा को विद्यमान कहा जाता है, वहाँ भी है आत्मा वह उपाधि विशेष नहीं है सुषुप्ति, इसलिए आत्मा को वहाँ चैतन्य ज्योति का भान नहीं हो रहा है, विद्यमान है आत्मा सुषुप्ति में भी, ये इसमें तात्पर्य है आत्मा एक और अनेक सिद्ध करने में तात्पर्य बाकी नहीं है, एकत्व अनेकत्व में तात्पर्य नहीं है, इसके लिए तात्पर्य है जो जागृत काल में आत्मा की चैतन्य की उपलब्धि हो रही थी क्यों उसके उपलब्धि के दरवाजे थे
देखना सुनना आदि क्रिया के माध्यम से आत्मा हल करके भान होता था। यहाँ पर जो दर्शनादि का व्यापार होने पा रहा है सुषुप्ति में, इस कारण से होते हुए आत्मज्योति विद्यमान है, वो वहाँ अप्राप्त हो रहा था, विद्यमान होता हुआ अप्राप्त है, नहीं है नहीं आत्मज्योति। एक बात तत्र एक नंबर टुकड़े का अवतरण उत्तर बोल दिया, तत्र का अवतरण में कहा उक्ते वाक्य तात्पर्य स्थिति फलितवाह बोल दिया है। तत्र उस स्थिति दृष्टियादि धर्म भेद कल्पना विवक्षित विवक्षित अर्थ अनभिज्ञ दया, जो दृष्टि आदि के भेद से आत्मा के भेद की जो कल्पना है ना, श्रुति का जो बोलने की विवक्षा है, विवक्षित जो विषय है, श्रुति जिसको कहना चाहती है, माने आत्मा सुषुप्ति में होते हुए उपलब्ध नहीं होता, क्यों, वहाँ पर उसके जो दृष्टि आदि अनेक व्यापार से युक्त नहीं हुआ उस काल में। यदि दृष्टि आदि का व्यापार होता, देखना सुनना आदि होता, आत्मा चैतन्य से भान होता था, किंतु वहाँ उसका अभाव के कारण से, उपाधि न होने के कारण अनुपलब्ध जो है हो रहा है, किंतु वास्तव में वहाँ है आत्मा विद्यमान है। इसी में तत्व दृष्टियादि धर्म भेद करना, इस स्थिति में भेद दृष्टियादि भेद की कल्पना करना, भरती प्रबंध करते हैं दृष्टियादि भेद से आत्मभेद, और विवक्षित अर्थ अभिज्ञतया श्रुति के द्वारा जो कहना इष्ट विषय है उसको न जानने के कारण ये भेद का भेद की कल्पना कर रहे हैं लोग, भरती प्रबंध आदि आत्मभेद होता है करके, आत्मा विभेद नहीं है। एक आप दो नंबर के पढ़ में कहा यथोक्त श्रुति तात्पर्य अनभिज्ञ दया, श्रुति ने जो बताया हुआ है इस श्रुति का तात्पर्य के न जानने के कारण ऐसा होता है। आत्मा के विषय में कहा है देखो आत्मा साइंदव घनमत बोला, एक है आत्मा, जैसे नमक की डली होती है, नमक की डली कैसे भी चाटो खारा पड़ा, अतिरिक्त तो कुछ नहीं हुआ, साइंदव घनमत नमक की डली को चाहे भीतर चाटो बाहर चाटो कहीं भी आस्वादन करो, एक ही आस्वाद स्वाद है उसमें। इस प्रकार आत्मा एक ही है, साइंदव घन के समान है, अन्य कुछ भी नहीं है वह आत्मा में, कोई उपाधि नहीं है, जैसे नमक में कोई अन्य कोई चीज नहीं होता। साइंदव घनवत प्रज्ञानय का घन सह, जैसे नमक की जैसे डली होती है, नमक की नमक होता है, इस प्रकार आत्मा में क्या कहते हैं प्रज्ञान एक रस घन, आत्मा को प्रज्ञान एक रस घन होती है, प्रज्ञान एक रस घन है, प्रज्ञान ही प्रज्ञान है, उसमें कोई उपाधि नहीं है, इस विधि का विरोध हो जाएगा यदि आत्मा में अनेकत्व की कल्पना करोगे तो। इस सिद्धांत ने कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहा स्वरूप इत्यर्थ प्रज्ञान एक रस घन माने स्वरूप, रस माने स्वरूप, प्रज्ञान एकमात्र प्रज्ञान स्वरूप है, वहां कोई उपाधि नहीं, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इस स्तुति का विरोध होगा अनेक मान्य पर। और भी स्तुति बोलते विज्ञान में आनंद ब्रह्म, कोई उपाधि है ही नहीं आत्मा में, विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है आत्मा, इस स्तुति ये बोलती है, कोई उपाधि नहीं दिखाती, पर तुम अनेक मानते हो उपाधि को लेकर के। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा तैत्रिउपनिषद में, सत्यम ज्ञानम सत्य रूप है, त्रिकालाबाधित है, ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरी में कहा हुआ प्रज्ञानी ब्रह्म है करके, इत्यादि श्रुति वैसे इत्यादि श्रुति से भी विरोध होगा यदि वह आत्मा में नानात्व की कल्पना करोगे तो। इस सिद्धांत ने कहा और शब्द प्रवृत्तेश्च जो शब्द की प्रवृत्ति होती है तत्त्व शब्द का व्यवहार होता है, लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो, शब्द प्रवृत्तेश्च लौकिक ही चाहे लौकिक ही हो चाहे वैदिक, चाहे वैदिक शब्द हो चाहे लौकिक शब्द हो, शब्द प्रवृत्ति चाहे लौकिक की शब्द प्रवृत्ति हो चाहे वैदिक की शब्द प्रवृत्ति हो, जैसे चक्षुषा रूपम विजानादि बोलते हैं, चक्षु के द्वारा रूप को जानता है, और श्रोत्रेण शब्दम विजानादि श्रोत्र के द्वारा शब्द को जानता है बोलते हैं, और रसेण अन्न से रसम विजानादि करते हैं, रस के रसना के द्वारा रसनेण रसना इंद्रिय के द्वारा अन्न के स्वाद को जानता है बोला जाता है, वाक्य प्रयोग होता है चाहे लोक में चाहे वेद में हो, सर्वत्र ही बचा सभी स्थानों में घराने में गंध भी जाना थी इत्यादि, त्वचा पर्शन भी जाना थी इत्यादि सब आएंगे, तो सर्वत्र ही बचा दृष्टि आदि शब्द आराम जो दृष्टि श्रुति आदि से शब्द आया है यहाँ, शब्दाराम शब्दाभिधेय आराम विज्ञान शब्द बाच्यता में दर्शाई थी, विज्ञान शब्द का विज्ञान शब्द के
बाच्य बाता है माने विज्ञान शब्द का बाच्यार्थ जो ज्ञान होता है उसी में आता है, सारे का अर्थ ही होता है। शब्देन श्रोत्रेण शब्द श्रोती अर्थात शब्द का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान ही होता है उसका अर्थ, सारे वाक्यों का अर्थ ज्ञान होता है, चाहे लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो। एक शब्द प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति चक्षुषा रूपम में जाना आती शब्द की प्रवृत्ति हो गई, श्रोत्रेण शब्द भी जाना आती रसन अन्न से रसन भी जाना आती सर्वत्र ही होता है, सारे स्थान में जहाँ जहाँ वाक्य प्रयोग करते वहाँ दृष्टिया शब्द विधेयनाम जो दृष्टा शब्द कहा गया है उनका उनका विषय जो होता है विज्ञान शब्द वाच्यता न होता, दृष्टिया शब्द का वाच्यार्थ विज्ञान ही होता है, आत्मा विज्ञान रूपी है इससे अतिरिक्त नहीं है, माने वह नाना हो नहीं सकता आत्मा। ठीक है, शब्द प्रवृत्ति प्रमाण एक शब्द प्रवृत्ति प्रमाण है, शब्द की जो प्रवृत्ति है प्रमाण है, शब्द की प्रवृत्ति क्या बात है विज्ञान में सिद्ध करती है आत्मा में सिद्ध करती है, वह भेद सिद्ध नहीं करती प्रवृत्ति, इसलिए वो प्रमाण है। कहा टिप्पणियां है पांच छह सात पांच ग्रह चार तो ग्रह ग्रह गण है, जो तीन दे दिया था चक्षुषा रूपों भी जानाती स्त्रोत्र शब्द भी जानाती रसन अन्न रसम भी जानाती तीन दे दिया, दो बाकी रहे थे तो और घ्राण घ्राण गंधम भी जानाती त्वचा पर्शन भी जानाती है लगाने के लिए कहा पांच नंबर टिप्पणी पर तो और घ्राण का ग्रहण करना पड़ा। सर्वत्र ही बचाव है क्षेत्र में लोके भेदे थे लोक हो चाहे भेद हो चाहे लौकिक शब्द हो चाहे वैदिक शब्द हो शब्द ये जो चक्षुषा रूपों भी जानाती आदि शब्द आएंगे तो उसका अर्थ विज्ञान ही होता है, आत्मा विज्ञान स्वरूप है उसे अतिरिक्त कुछ है शब्द प्रवृत्ति भी प्रमाण है, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु नहीं एक ही है आत्मा सिद्ध करता है। कहा ठीक अर्थात दृष्टि आदि शब्द आना दृष्टि ग्राति आदि शब्द यहाँ आया है तो इसका भी अर्थ होता है आत्मा एक रूप ही सिद्ध कर रहा है, दृष्टि आदि भेद से आत्मभेद सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है बोलेंगे ठीक है चैतन्य अविनाशे वाक्य तात्पर्य चेत कथम तरी दृष्टियादि भेद वचनम इति आशय। सुषुप्ति में भी चैतन्य का नाश नहीं है सिद्धांति का कहना यह है, गुरुवादि का कहना है यदि चैतन्य वहाँ होता तो ज्ञान होना चाहिए वहाँ भी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ विषयों का ज्ञान नहीं होता कोई किसी का ज्ञान नहीं होता, इसका मतलब चैतन्य वहाँ नहीं है ये पूर्वादि का कहना था वर्त प्रबंधादि का कहते सिद्धांति कहना आए गए वहाँ भी चैतन्य है वस्तु के जो अभाव के कारण वहाँ पर चैतन्य भासता नहीं पूरित नहीं होता अथवा उस चैतन्य की उपलब्धि के द्वार से चक्षुरादि इंद्रिया वो नहीं है वहाँ इस कारण से चैतन्य उपलब्धि नहीं होता, किंतु चैतन्य अविनाश है वाक्य तात्पर्य जेत पूर्वादि पूछता है यदि चैतन्य का अविनाश है विनाश है सुषुप्ति में विनाश नहीं होता इस वाक्य का तात्पर्य यदि यह है तो कथम तरी दृष्टि आदि भेद वचन फिर दृष्टि आदि अनेक आठ प्रकार के भेद कैसे बताया दृष्टि ग्राति मति इत्यादि विज्ञात्री आदि कैसे बताया ये कैसे सिद्ध होगा शंका उठाएगा यद अश्य इत्यादि कहा यद अश्य जागृत स्वप्न हो चक्षुरादि अनेक उपाधि द्वारा चैतन्यम चैतन्य आत्मज्योति स्वाभाव्यम इस आत्मा में आत्मा का जागृत और स्वप्न अवस्था में चक्षुरादि अनेक उपाधि के द्वार वाला होता है आत्मा क्या होता है अनेक विश्व में जाने के लिए अनेक दरवाजे हैं इसके जागृत स्वप्न में चक्षुरादि अनेक है इंद्रिया ऐसे जो चैतन्य आत्मज्योति स्वभाव है स्वभाव उपलक्षित होता है उपलब्ध होता है जागृत स्वप्न में चैतन्य ज्योति पाया जाता है। दृष्टि आदि अभिधेय व्यवहारापन दृष्टि आदि व्यवहार के प्राप्त हुआ था दृष्टि स्मृति आदि व्यवहार गया था जागृत अवस्था में सुषुप्ति उपाधि भेद व्यापार निमित्त हो सुषुप्ति में उपाधि है नहीं जिन उपाधि के कारण से चैतन्य की उपलब्धि हो रही थी जागृत में उपाधि भेद नहीं वहाँ कोई कोई भी उपाधि नहीं वहाँ निमित्त हो अनुद्भाष्य महत्व चैतन्य उद्भाष्य नहीं है लुप्त जैसा लग रहा है अनुपलक्ष मान उपलब्ध नहीं होता अनुपलब्ध हो रहा उसका चैतन्य स्वभाव ऐसे होते हुए उपाधि भेद है भिन्न विभव यथा प्राप्त जैसे उपाधि भेद से भिन्न जैसा लगता था जागृत स्वप्न में आत्मा अनेक लगता था वो जैसे प्राप्त के अनुवाद के द्वारा ही विद्यमान तो उठते थे विद्यमान ही कर
अविद्यमान नहीं है, एक बात ठीक है। तदि नवगति पूर्व बताया व्यवहारापन्नम इति अस्य अग्रे तत्पदम अध्याय में व्यवहारापन्न में क्या तत् लगाना है, व्यवहारापन्न में जो भाषण में उसके आगे तत् सुषुप्ते वहाँ तद्धि एक तत् तत् एक वहाँ व्यवहारापन्न में आगे लगा देना बोल दिया टिप्पणी का यद वही स्वरूप अनुपलब्ध है वहाँ अस्य तद्धि सुषुप्ति अवस्थायाम उपाधि अंतकरण से चक्षुरादि भेदाधीन परिणाम व्यापार निमित्त होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में अंतकरण की वृत्ति नहीं हो पा रही है, क्यों चक्षुरादि नहीं वहाँ तभी को जो व्यवहार व्यवहार के आस्पद बना हुआ आत्मा को सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति अवस्थायाम उपाधि अंतकरण से उपाधि उसे आत्मा की उपाधि अंतकरण है, अंतकरण से चक्षुरादि भेदाधीन परिणाम व्यापार अंतकरण में जो वृत्तियाँ आती है ना आत्माकार कोई भी वृत्ति चक्षुरादि के अधीन है, विष्णु की जो वृत्ति वहाँ चक्षुरादि के अधीन चक्षुरादि भेद के अधीन परिणाम व्यापार कौन अंतकरण व्यापार परिणाम होना वो व्यापार की निवृत्ति है वहाँ अंतकरण में जो व्यापार नहीं हो रहा है चक्षुरादि के अधीन होने वाले रूपादि का ज्ञान वहाँ नहीं हो रहा है सुषुप्ति काल में निवृत्त सत्यम कहा। दस के टिप्पण बता दिया व्यापार वृत्ति व्यापार अंतकरण की जो वृत्ति रूप व्यापार है उसकी निवृत्ति हो रखी वहाँ चक्षुरादि न होने के कारण उपाधि भेद से अनुभाष्य मानव अथवा उपाधि भेद नहीं दिख रहा है वहाँ सुषुप्ति अवस्था में उपाधि नहीं है वहाँ अंतकरण आदि नहीं भास रहे हैं। तेरह भिन्नमिव अनुपलक्षमाण स्वभाव जैसे भिन्न जैसा वहाँ नहीं लगता सुषुप्ति में भिन्नमिव अनुपलक्षमाण स्वभाव भिन्न जैसा नहीं भाषता जैसे जागरूक में दर्शन करने वाला आत्मा श्रवण करने वाला आत्मा में भिन्न जैसा लगता था उपाधि भिन्न होने से ऐसा यह नहीं हो पा रहा है सुषुप्ति में। यद्यपि ऐसा है अनुपलक्षमाण स्वभाव हो रहा आत्मा तथापि चक्षु द्वारा जायमाना बुद्धिवृत्तौ व्यक्तम चैतन्यम दृष्टिग्रहण द्वारा न जातायाम तस्याम व्यक्तम ख्याति इत्यादि। फिर भी चक्षुर द्वारा न जायमान आया वो वृत्ति जो चक्षुर के माध्यम से अंतकरण में वृत्ति बनती हो रूप का क्या रूपम भी जान आती है वो प्रयोग समय तो बुद्धिवृत्तौ व्यक्तम चैतन्यम अभिव्यक्त है चैतन्य अभिव्यक्त है जागरण दृष्टि दृष्टि चैतन्य क्या है दृष्टि चैतन्य दृष्टि व्यक्त है और घ्राण द्वारा जातायाम तस्याम व्यक्तम घ्राति और घ्राण के द्वारा जब अंतकरण में वृत्ति बनेगी गंधम जिघ्रति आते समय में तो घ्राति शब्द का प्रयोग होता है। यदि उपाधि भेदा प्राप्त भेदाद उपाधि भेद से प्राप्त थे भेद तो दृष्टि वाला घ्राति वाला जैसे जैसे इंद्रियों के माध्यम से वहाँ पर अंतकरण में वृत्ति बनती थी उस काल में चैतन्य उपलब्ध हो रहा था उसी के अनुवाद के द्वारा कि चैतन्य से अविनाशित्व चैतन्य विनाश नहीं सुषुप्ति में है वाक्य तात्पर्य ये कहना चाह रहे चैतन्य का विनाश नहीं होता ये वाक्य का तात्पर्य है ये बताया टिप्पणियाँ है। दस की टिप्पणी का वृत्ति व्यापार हो गया अभी ग्यारह भी है तेरह क्या है उपाधि भेदे न उपाधि भेद से भिन्न जैसा लगता था जागृत में आता किंतु यहाँ पर उपाधि न होने से माने आत्मा अनुपलब्ध विपत्ति के अनुपलब्धि से आत्मा की भी अनुपलब्धि जैसे लग रहा है किंतु आत्मा विद्यमान है ये सिद्ध किया उगते वाक्य तात्पर्य स्थिति फलित महा ये जो वाक्य के तात्पर्य स्थित होने पर किस पर क्या वो कहते हैं तत्पर इत्यादि कहा तत्र तत्र दृष्टियादि धर्म भेद कल्पना उस स्थिति में दृष्टियादि भेद की कल्पना करना तो और विवक्षिता अर्थ अनभिज्ञता कहा श्रुति के जो विवक्षित अर्थ है आत्मा होते हुए अनुपलब्ध है उस काल में सुषुप्ति अवस्था में ऐसा यही है आत्मा है विद्यमान है ये सिद्ध करना एक ही है आत्मा विद्यमान है ये श्रुति के विवक्षित अर्थ को अनभिज्ञ करने होने के कारण ये सारी कल्पना की जाती है धर्म क्या दृष्टियादि धर्म का भेद की कल्पना की जाती है दृष्टि धर्म से आत्मा भिन्न होता है करेंगे कल्पना अनेक होता है कल्पना है कहा ठीक है हमें कहते हैं इतस्त दृष्टि आदि भेद कल्पना न श्रेष्ठा इस हेतु से भी आगे एक हेतु देने वाले भाषिकार इस हेतु से भी दृष्टि आदि में भेद कल्पना युक्ति संगत नहीं है। आठ की टिप्पणी बता दिया
पक्षमाण का आगे कारण बताने वाले भाष्य का इस हेतु से भी नहीं, क्या हेतु है तो कहा सहिंदव गणपत प्रज्ञान एक घनरस स्तुति विरोधार्थ। जैसे नमक की डली में नमक ही नमक होता है, खारा परा से अतिरिक्त कुछ नहीं होता, इसी प्रकार प्रज्ञान घन है आत्मा, एक स्वभाव वाला है, कभी वहाँ पर भिन्न होना स्वभाव नहीं है, अनेक होना स्वभाव नहीं, प्रज्ञान घन है। ये स्मृति का विरोध होगा आत्मा अनेक मानने पर। ठीक है, तदेव प्रश्न जी कहा, उसी के स्पष्टीकरण संत भगवान के पद का ही स्पष्टीकरण करते हैं। दस की टिप्पणी बताया है, वैत्र अवगत आकाश विषय पात्र कहा, तदेव नौ की टिप्पणी है, नौ में कहते हैं कारण में वो कारण यही बताते हैं, सही जैसे संदेह वगैरह बताया ना उसी प्रकार यहाँ भी स्पष्ट विज्ञान आनंदम आत्मा ने कहा है, अनेक होने से तो विज्ञान है आनंद रूप है, सत्यम ज्ञानम सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतिर कहा इत्यादि स्मृति, ये सारी स्मृतियाँ आत्मा को एक बताती है अनेक नहीं बताती। ठीक है, कहते हैं न दृष्टि आदि भेद कल्पना, इसे इस स्मृतियों के माध्यम से भी दृष्टि आदि भेद की कल्पना नहीं करनी चाहिए, आत्मा अनेक होता है दृष्टि आदि को लेकर के ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। भारतीय प्रबंध गाय का दृष्टांत देकर कहा था, जैसे गाय गोद्रव्य रूप से एक है और शास्त्र आदि रूप से अनेक है, कोई गाय ऐसा कल्पना नहीं करनी चाहिए, अनेक है आत्मा की कल्पना नहीं करनी चाहिए दृष्टि आदि को लेकर। यथा घटाकाश हो पठाकाश बोला जाता है, आकाश दोनों में अनुगत होता है, घटाकाश में भी आकाश पठाकाश होगा आकाश, और अगर वो उपाधि को हटाएंगे तो आकाश एक यही है। यथा घटाकाश हो पठाकाश यदि एक शब्द विषय बात वह एक ही शब्द विषय, एक ही शब्द आकाश को विषय कर रहा है शब्द, घटाकाश बोलो चाहे पठाकाश बोला आकाश को विषय करता है, एक शब्द विषय बात उपाधि भेदे भी उपाधि से भेद है, उपाधि एक घट है एक पट है, वह घटाकाश पठाकाश में घट और पट उपाधि है, उपाधि में भेद होने पर भी अश्य आकाश से एकत्व इष्ट, आकाश एक ही सिद्ध इष्ट होता है, घटाकाश बोलो पठाकाश तो एक ही है, उपाधि में भेद है, घट अलग है मठ अलग है, आकाश एक ही है, उपाधि में भेद होने पर भी माने आकाश एक होता है, घटाकाश मठाकाश उपाधि है, उसके घट और मठ तो उपाधि है, उपाधि के कारण एक को घटाकाश बोला है एक को घटाकाश बोला, किंतु है आकाश एक ही है। तथा इसी प्रकार एक शब्द प्रवृत्ति एकत्वम, एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसके एक शब्द का प्रवृत्ति होने पर एकत्वम चितोपि स्वीकर्तव्य, आत्मा में भी चेतन में भी चेतन आत्मा को भी यही है स्वीकार करना चाहिए, एक ही एकत्व स्वीकार करना चाहिए। कहा दस के टुकड़े में कहा है उभयत्र अनुगत आकाश शब्द विषय का, चाहे घटाकाश बोलो चाहे पढ़ाकाश बोलो दोनों में अनुगत आकाश एक ही आकाश है, घट और मठ उपाधि है वहाँ, इस पर एक ही आकाश तो होता है, एक शब्द विषय बात एक ही शब्द का विषय होता है, आकाश शब्द का विषय होता है दोनों, घटाकाश बोलो चाहे पढ़ाकाश बोलो, उपाधि भेद भी यदि भी घट और पठ उपाधि भेद है फिर भी आकाश से एकत्व इष्ट, आकाश एक ही इष्ट होता है। तथा उसी प्रकार एक शब्द प्रवृत्ति है, ग्यारह के टुकड़े बताया विज्ञान घन शब्द, एक ही शब्द विज्ञान घन बोल दिया है, विज्ञान से अतिरिक्त नहीं, एक शब्द का प्रयोग होने से आत्मा भी एक ही है अनेक नहीं है एक आत्मा। तथा एक शब्द प्रवृत्ति एकत्व चितो भी मान चेतन जो आत्मा भी स्वीकर्तव्य स्वीकार करना चाहिए, विज्ञान घन कहा हुआ आत्मा को अन्य कुछ नहीं। तत् कुतो दृष्टि आदि भेद सिद्धि, फिर वहाँ दृष्टि आदि भेद की सिद्धि कैसे, आत्मा जब एक है तो फिर अन्य कैसे हो सकता है, दृष्टि आदि भेद से आत्मा भेद कैसे हो सकता है। बारह की टिप्पणी बताया चिता एकत्व, चेतन जब एक है फिर दृष्टि आदि भेद से कैसे भेद होगा, जैसे घटाकाश और मठाकाश बोलते समय एक ही आकाश ही सिद्ध होता है, उपाधि से भेद दिखने पर उपाधि भेद आत्मा में जो अनुकत्व भाषा औपाधिक भेद वास्तविक नहीं, वास्तविक आत्मा एक है ये सिद्ध होना है, और वो मानते हैं औपाधिक नहीं मानते वर्तमान का आत्मा एक भी अनेक भी वास्तविक दोनों है, एक और अनेक उनका ये है, हम कहते हैं अनेकत्व जो वास्तव है आत्मा दृष्टि आदि भेद से वह औपाधि के कारण दृष्टि काल में
दृष्टि को हटाओ ना, आप आएगा एकत्व वास्तविक है एक। इसलिए कहा शब्द प्रवृत्तिश्च इत्यादि बोला, शब्द प्रवृत्तिश्च लौकिकी च, जो लौकिकी हो चाहे वैदिकी, चाहे कोई भी शब्द की प्रवृत्ति होती हो तो मान उस विज्ञान में जाकर के समापन हो जाता है। कोई भी शब्द का प्रयोग करो, चाहे लौकिक शब्द चाहे वैदिक शब्द का प्रयोग, प्रवृत्तिश्च चक्षु, जैसे चक्षुषा रूपम भी जान आदि एक शब्द प्रवृत्ति हो गई, चक्षु के द्वारा रूप को जानता है। श्रोत्रे न शब्द में जान आदि श्रोत्र के द्वारा शब्द को जानता है, और रसे न अन्न से रसन भी जान आदि रसने न रसन रसनेन्द्रिय के द्वारा अन्न के स्वाद को जानता है। सर्वत्र ये सारी दृष्टि श्रुति और इत्यादि जो कहा गया है रसा ये बोला या उपाधि है, इसको हटाओ ना, बीजानादि एक रहेगा, क्या रहेगा बीजानादि। ठीक है, सर्वत्र ही जो लोग हो चाहे भेद हो दोनों में, दृष्टियादि शब्द अभिधेय नाम, दृष्टियादि शब्द का जो अभिधेय वाच्यार्थ होते हैं ना, विज्ञान शब्द वाच्यता विज्ञान शब्द वाच्यम ऐसा, इनके जो दृष्टियादि शब्द का अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान ही सिद्ध होता है। जैसे घटाकाश पटाकाश में आकाश ही सिद्ध होता है शब्दों में भेद होने पर, इस प्रकार विज्ञान शब्द ही इनका वाच्य होता है। एक शब्द प्रवृत्ति प्रमाण और शब्द प्रमाण है एक ही विज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसमें भेद होना संभव नहीं है। औपाधि भेद संभव होता है किंतु औपाधि वास्तविक नहीं है, वास्तविक का भेद है आत्मा सिद्ध होता है। ठीक है, भी कहते हैं तामेव विवृणोति शब्द प्रवृत्ति, शब्द प्रवृत्ति के व्याख्या कर देगा ताम केरविट पर्व का शब्द प्रवृत्ति में शब्द का लौकिकी जगह लौकिकी हो चाहे वैदिक शब्द हो, जैसे चक्षुषा रूपम भी जाना आदि वाक्य प्रयोग किया, चक्षु के द्वारा रूप को जानता है उसका अर्थ विज्ञानी होता है। श्रोत्र शब्द में जाना आदि विज्ञानी होता है, रसने अन्न रसन में जाना आदि रसन इंद्र के द्वारा अन्न के स्वाद को जानता है, ये वही जाकर समाप्त होगा। सर्वत्र सर्वत्र जितने भी दृष्टियादि शब्द जितने भी हैं उनका कथन का कथन अर्थ जो होता है विज्ञान शब्द वाच्यता में, विज्ञान शब्द वाच्य ऐसा विज्ञान शब्द का वाच्य होता है, विज्ञान शब्द विज्ञान को ही वाच्य बनाते हैं, शब्द अर्थ वही है विज्ञान ही है। शब्द प्रकृति से प्रमाण को छोड़ा है, समय हो गया है, ये रखते हैं, एक बार भी है फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः।